हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द प्रेडेटर के व्लॉग्स। आज ज्वाइन कर लिया फिर से हर्ष ने हमें, बिकॉज़ वी आर फ्रेंड्स। चलो इनका ही पीछा करते रहो, घर पहुंच जाने। चलो भैया यहाँ से उधर बीच में से कूद के उस पर जंप कर जा डार्क कार के ऊपर। आज रात को जागरण होगा, तैयारी होएगी। मोनू भाई उठ जाओ, चलो जल्दी जल्दी उठ जाओ, फ्री हो जाते हैं। चलो उठो, उठ जाओ, 10 मिनट कुछ नहीं, उठ जाओ। अब स्कूल नहीं जाना, लेकिन उठ तो जाओ, 10 मिनट सो गए फिर। मोनू 10 ही मिनट सो गए। अरे हाँ ना बोल, तुम ही ने बिगाड़ रखा है इसको। टाइप ऑफ कुल्फी व्रत में ऐसे फूड फूड के आइटम देख देख के अपना दिल क्यों जला रहे हो? नवरात्र खत्म होने दे, फिर चलेंगे रेस्टोरेंट पे, फिर वो खाएंगे कढ़ाई पनीर, हाँ तंदूरी रोटी, दाल मखनी। एक मिनट, नहीं एक मिनट रुक, मेरी बात सुन, एक बात बताइए। अरे इधर सुन ना, मेरी बात सुन, ये बता तुझे तो खाने के लिए बुआ जी सब दे रही है, तू क्यों जल रहा है? तेरे दिल में क्यों आग लगी हुई है बाहर के खाने की? हमें नहीं मिल रहा, हमें तो व्रत का खाना मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहा है, क्यूकम्बर मिल रहा है, यही मिल रहा है, पिज्जा की चीज है भाई, क्यों कर रहा है हमारे साथ ऐसा? कुछ नहीं हो सकता इसका, क्या हो रहा है ये ऑनलाइन क्लासेस? ओ भाई एक मिनट, तू स्कूल से कब आया? तू ये बता, तू वीडियो देख रहा है या फिर पढ़ाई कर रहा है? दोनों तो तू कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कर नहीं रहा भाई, तू दोनों नहीं कर रहा, तू एक ही काम कर रहा, अभी वीडियो देख रहा, अभी वीडियो बनाने लगा मैं तो, तू पढ़ाई करने बैठ गया, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता भाई? उसने जस्टिफिकेशन दिया ना, पहले उसने वीडियो देखी फिर पढ़ाई करने लग गया, फिर वीडियो देख रहा फिर पढ़ाई करेगा, जस्टिफिकेशन दी ना उसने, दोनों एक साथ नहीं कर रहा ना वो। टाइम हो रहा है 2 बज गए और सोचो 2 बजे हम लोग ये कर रहे हैं, भूख लग रही थी, क्या करूं मुझे भूख बहुत लगती है। और ये अपनी पॉलचन, ये वही है जिसने आइसक्रीम खाई थी अकेला कर, मुझे बताया भी नहीं था, इतने गंदे गंदे लोग हैं। देखो कहाँ से हेलो आ रही है, बड़े लोग बोलते, सिर्फ इतनी तैयारी दिखा सकता हूँ, ये लगी है बस। डिस्ट्रिक्ट जेल कैंपस पे आज नवरात्रि का फंक्शन रखा है, तो अब ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी, मतलब अभी तक तो जो था ना, ये कहने मतलब कि 2 वीडियोस आएंगी, तो ये जो है ना पूरे दिन का था, और शाम को वहाँ पे क्या तैयारी हुई और क्या होने वाला है, वहाँ का एरिया कैसे सजा हुआ है वो सब दिखाया है, बाकी वहाँ पे जो एंटरटेनमेंट होगा जो भी होगा वो आपको वीडियो के अंदर कल मिलेगी। सिनेमेटिक्स देख के समझिए कितना औसम होने वाला है, लाइटिंग्स बहुत अच्छी करी है, मतलब जो सिनेमेटिक्स है लो लाइट के अंदर निकाले। तो आज करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, होप्स आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, सो जस्ट गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।